चैप्टर 6। कुछ वर्ड्स को सीखने के बाद अब हेलन की एक ईगरनेस, एक क्यूरियोसिटी बढ़ने लग गई कि उनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। उनको पता था कि उनको जितने भी वर्ड्स आते हैं, उनकी जो वोकैबुलरी है वो काफी नहीं है, पर उन्होंने ज्यादा से ज्यादा वर्ड सीख लिए, शुरू कर दिए थे। और अब उनकी जो एक इंक्वायरी करने की चीज क्षमता होती है वो और ज्यादा बढ़ती जा रही थी। वो हमेशा इच्छुक रहती थी कि और ज्यादा से ज्यादा चीजों को जान पाए। इसमें ऐसा ही एक वर्ड था लव, जिसके बारे में वो जानना चाहती थी कि इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है। तो जो मिस सुलिवान थी, उन्होंने उनको सिखाने के लिए कि कैसे लव के बारे में जानते हैं, उन्होंने उनको एक किस किया, उनका हाथ उनको जैसे कहना चाहिए प्यार से पकड़ा और उनको किस किया। लेकिन तब जो हेलन थी वो उसका मीनिंग नहीं समझ पाई। लेकिन एक दिन अचानक से क्या हुआ कि बारिश होने के बाद सूरज निकल आया और तब उन्हें जो है उस लव के फीलिंग का या लव के मीनिंग का एहसास हुआ। मिस सुलिवान ने हेलन को समझाया कि लव एक ऐसी चीज है जिसे आप फील कर सकते हो, टच नहीं कर सकते। इमीडिएटली वो समझ गई कि लव क्या होता है। सेम वे एक और वर्ड था थिंक, जिसे मिसेस सुलिवान ने कैसे समझाया, उन्होंने उनके जो फोरहेड होता है, जो माथा होता है, उसको टच किया और स्पेल किया, तब वो समझ गई कि थिंक का मतलब क्या होता है। अब तक हेलन को समझ में आ चुका था कि एक जो डेफ बच्चा है वो कोई भी लेसन एक महीने में या एक साल में एक ऑर्डिनरी बच्चे की तरह नहीं सीख सकता। चाहे इमिटेट करो, नकल करो या रिपीट करो, अपने आइडियाज को एक्सचेंज करो, जो कि जैसे जो डेफ बच्चा है भाई, अगर हम क्या कहते हैं, सामने बिल्कुल नॉर्मल है, हम चीजों को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, तो हम आसानी से उसको कॉपी कर सकते हैं, आसानी से उसे रिपीट कर सकते हैं, अपने आइडियाज को एक्सचेंज कर सकते हैं एक नॉर्मल बच्चे के जैसे। पर अगर बच्चा डेफ है तो वो इतनी आसानी से ना तो चीजों को सुन पा रहा है और साथ ही साथ ब्लाइंड है, तो वो कॉपी भी नहीं कर पा रहा। इसलिए एक महीने या एक साल में किसी लेसन को सीखना आसान नहीं था। पर मिस सुलिवान जब से उसकी मदद के लिए आई थी और काफी हद तक बार बार उसको रिपीट करवा रही थी, उससे चीजें पॉसिबल होती नजर आ रही थी। जो डेफ होते हैं या जो ब्लाइंड होते हैं उनके लिए बहुत दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि ना तो वो एक्सप्रेशंस देख पा रहे हैं स्पीकर के, ना जो है उनकी आवाज को सुन पा रहे हैं। लेकिन फिर भी मिस सुलिवान की मदद से हेलन काफी हद तक कोशिश कर रही थी चीजों को सीखने की।